नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमंत प्रदेश न्यूज में, और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज हर हमेशा आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता है, और आज हम बात करेंगे मिलेट्स की, यानी मोटे अनाज, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज़्यादा फोकस है और राज्य सरकार भी इस ओर लगातार फोकस कर रही है। लेकिन ये मोटा अनाज जो हमारे पहाड़ी जनपदों में होता है, उसकी क्या स्थिति है और इसकी देखरेख किस तरह से हो रही है, किस तरह का ये मोटा अनाज होता है, आज हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर जंगली जानवरों का किस तरह से आतंक है, उसको भी हम आपको सीधे तौर पर यहाँ दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक सिमकोली गाँव में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो किसानों की फसल है इस वक्त वो लगभग अब तैयार है, और धान जिसको साटी बोलते हैं, झंगोरा और मंडुआ, ये सब जो है अभी यहाँ तैयार है। तो इस बार काफ़ी अच्छी फसल हुई है, और ये फसल जो है अब जैसे कि हमने बताया कि अब लगभग तैयार है। लेकिन यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किसानों की मेहनत को किस तरह से जंगली जानवर रौंद रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। और लगातार ये जंगली सुअरों का जो आतंक है वो हमारे पहाड़ी जनपदों में लगातार बढ़ रहा है, और राज्य सरकार बात करती है मिलेट्स की, जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा देने की, क्योंकि ये मोटा अनाज स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। लेकिन उस मोटे अनाज की स्थिति किस तरह से ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, विशेष करके मैं सुअरों की बात करूँगा, वो जो है फसल को एकदम जो है यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। आपको सामने तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरह से किसानों की फसल को सुअर जो है यहाँ पर जंगली सुअर लगातार रौंद रहा है, बर्बाद कर रहा है। इन जंगली जानवरों के आतंक से इतने भयभीत हैं कि उन्होंने अपनी साड़ियां तक जो है यहाँ उसको भगाने के लिए लगा रखी है, सुअर को भगाने के लिए लगा रखी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क जंगली सुअर पर नहीं पड़ रहा है। तो जंगली जानवरों का आतंक आपको दिख रहा होगा साफ तौर पर, देखो किसानों की फसल को किस तरह से रौंद करके चले गया है, और लगातार उसकी आवाजाही यहाँ हो रही है। आपको ग्राउंड जीरो से सीधे जो है धान के खेत से ये तस्वीरें दिख रही है, और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि हम किसानों के लिए बहुत लाभकारी योजनाएं ला रहे हैं, उनके फसलों के लिए जो है तमाम तरह की जो बहुत उपयोगी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का किसी तरह से कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं पूरा खेत एकदम पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, तहस नहस कर चुका है, पूरे किसानों की जो मेहनत है उस पर जो है पानी फेर चुका है सुअर, पूरा खेत आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये बर्बाद है। इन खेतों की तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए पूरे खेतों को रौंद के चले गया है, बहुत बुरी कंडीशन इन खेतों की आप देख सकते हैं। सुअरों का जो आतंक है वो किस कदर फैला हुआ है, और ये जो है सिर्फ चमोली जनपद की समस्या नहीं है, ये पूरे पहाड़ में, चाहे कुमाऊं अंचल हो चाहे गढ़वाल अंचल हो, दोनों जगह जो है इस तरह के सुअरों का आतंक है। और इससे जो है सरकार इस तरह से देख लीजिए कितना अच्छा धान यहाँ पे हो रखा था, लेकिन इसको जंगली जानवर रौंद के चले गए हैं, जंगली सुअर इसको रौंद के चले गए हैं। पूरे खेत को आप देख सकते हैं, नज़दीक से हम आपको दिखाएं इस तरह की कंडीशन खेतों की हो रखी है। और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं और हम किसानों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ ला रहे हैं, लेकिन जब किसानों की साल भर की मेहनत जंगली सुअर चंद मिनटों में समाप्त कर देता है, तो इस तरह से किसान का कृषि से मोह भंग होना लगभग तय है। और यही वजह है कि हमारे पर्वतीय जनपदों से
लगातार पलायन मैदानी क्षेत्रों की ओर हो रहा है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जंगली सुअरों के द्वारा किस तरह से किसानों के खेतों को रौंदा गया है। और अभी धान की फसल जो पकने वाली है उसे अभी से ये बर्बाद करके चले गया है। और धान की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि बारिश बहुत बढ़िया हुई थी इस बार, लेकिन आप देख सकते हैं किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी हम ये निवेदन करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किसानों के लिए जंगली जानवर जो लगातार किसानों की फसलों को रौंद रहे हैं उनको विशेष तरह का पैकेज दिया जाना चाहिए, और साथ में इन जंगली जानवरों का, विशेष करके सुअर और बंदरों का, यहाँ पर धरातल पर जो है कोई ठोस निर्णय लेना होगा कि इन जंगली जानवरों को किस तरह से हटाया जाए और किसानों की फसलों को किस तरह से बचाया जा सके। और मैं अब बात करूँगा मिलेट्स में, जो खास करके जिसकी डिमांड्स होती है मोटे अनाजों में, वो है झंगोरा और कोदा। और मंडुवे की खेती को आप इस वक्त देख रहे हैं, नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, अच्छी फसल हुई है इस बार। और इसके साथ दाल की फसल भी जो है इस बार अच्छी दिख रही है क्योंकि अच्छी बारिश जो है इस बार देखने को मिली है। और ये जो अभी फसल दिख रही है ये कुछ पकने वाली है, लेकिन इस फसल को भी जंगली सुअर बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाने वाला है क्योंकि जो ये मंडुआ है इसको सबसे ज़्यादा जंगली सुअर खाता है। और जंगली सुअर इस तरह से जो हमारे मोटे अनाज हो रहे हैं, चाहे झंगोरा है, चाहे इसमें जो है मंडुआ है जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कोदा भी बोलते हैं और कई जगह इसको रागी भी कहा जाता है, जिसकी इस बार आपको फसल बहुत अच्छी तरह से अच्छी फसल देखने को मिल रही है, वो जो है बहुत जल्दी जो है इसको सुअर नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन किसानों की जो मेहनत है उसका प्रतिफल उनको नहीं मिल पा रहा है, और उसका सीधा सीधा कारण है जंगली सुअर जो इस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। तो अभी तक आप देख रहे थे किस तरह से उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है, और ये आतंक इतना ज़बरदस्त है कि किसानों का कृषि से लगातार मोह भंग हो रहा है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जंगली जानवरों का किस तरह से निदान हो पाए, किस तरह से इस समस्या का समाधान हो पाए, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को ठोस निर्णय धरातल पर लेने होंगे। नमस्कार।